नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 6.7% की बढ़ोतरी हुई है। कल से थोड़ी राहत है। कल 2,47,000 नए मामले आए थे और आज 2,64,000 के पार नए मामले आए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो पॉजिटिविटी रेट कल 13.5% के बीच थी, वो देश की पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ करके हो गई है 14.78%, यानी लगभग 15%। यदि 100 टेस्ट हो रहे हैं तो 15 उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं, यही खतरनाक बात है। और कुल जो एक्टिव केस की संख्या है वो 12,78,000 हो गई है। याद कीजिए कि भी 15 दिन पहले तक जो पॉजिटिविटी रेट थी और जो कुल संख्या थी वो बहुत कम थी, 75,000 तक आया करती थी। इसी को लेकर के एक्सपर्ट्स लगातार चेता रहे हैं। देश की राजधानी यदि दिल्ली की बात करें तो वहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर है। वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 28% के पार है और 28,000 प्लस केसेज आए थे और 31 लोगों की मौत हुई थी। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली और मुंबई प्रभावित है। सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर के जो ताज़ा अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,64,202 नए मामले आए हैं। 1,09,345 की रिकवरी हुई है। दिल्ली पॉजिटिविटी रेट बढ़ करके 14.78% हो गई है और कुल जो एक्टिव केस है वो 12,72,073 हो गया है। यदि बात करें वैक्सीनेशन की तो 155 करोड़ वो लग चुकी है और ठीक ऐसी ही जो सैंपल टेस्टिंग हुई है वो लगभग 70 करोड़ अभी तक हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, स्थिति गंभीर है। WHO लगातार जो है ये चेतावनी दे रहा है कि भारत इसे हल्का समझने की गलती न करे और देश के भी एक्सपर्ट्स की यही राय है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मारक उतना नहीं है, माइल्ड नेचर का है, लेकिन माइल्ड समझने की कोई भूल न करे, रहे हमेशा सतर्क। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।